खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के स्वासा बुजुर्ग गांव से है, जहां उस वक्त एक नाटकीय स्थिति बन गई जब शादी समारोह में जयमाल के दौरान दुल्हन ने दूल्हे पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बिगड़ने के बाद वर और वधु पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों में किसी तरह से समझौता करवाया। शादी फिर से शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना इलाके के स्वासा बुजुर्ग गांव का है। दूल्हा रविकांत अहिरवार बारात लेकर स्वासा बुजुर्ग गांव आया था। शादी की जयमाल रस्म हो रही थी। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन के गले में वरमाला डाली, दुल्हन का पारा चढ़ गया। देखते ही देखते उसने दूल्हे को कई थप्पड़ जड़ दिए। वहां मौजूद लोग अभी मामला समझ पाते कि दुल्हन गुस्से में स्टेज से चली गई। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस वारदात के बाद दूल्हा और दुल्हन पक्षीय लोगों में मारपीट होने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों में किसी तरह का समझौता करा दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में सुलह हो गई और शादी फिर से शुरू हो गई है। दुल्हन ने क्यों जड़े थप्पड़? दुल्हन के दूल्हे को जयमाल स्टेज पर ही थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। हालांकि दुल्हन ने दूल्हे के साथ ऐसा क्यों किया, इसका जवाब पुलिस ने नहीं दिया है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।